सवाल विजय जी? ये हमारे पास IRCTC के 100 शेयर हैं। हेलो, 1900 रुपये में परचेज किया हमने, तो अभी मैं रखूं या क्या करूं, वही पूछना था मेरे को। ठीक है गाबा साहब, हायर लेवल की बाइंग IRCTC में, थोड़ा मुनाफा वसूली हमने आज मामूली सी स्टॉक में देखी, 3900 के लेवल्स पर एंट्री ली है, क्या सजेशन होगा इनके लिए? अगर इनका नियर टर्म टारगेट हो तो, और अगर लंबी अवधि के लिए खरीद के चल रहे हैं तो क्या लक्ष्य देखते हैं? क्लियर कट मैं बता देता हूं, ये स्टॉक जो स्ट्रक्चर है बढ़िया है, वन। नंबर टू, स्ट्रेच है, यस स्ट्रेच है, इन्होंने लिया है गलत जगह पे। तीसरा, चौथा, 4000 जो लेवल है यहां पर प्रॉफिट बुकिंग जोन आता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल है, उसके आसपास ही लिया। तो अब थोड़ी अगर साइडवेज वो मिलता है या टाइम करेक्शन होता है या थोड़ा प्राइस वाइज करेक्शन होता है, ये नॉर्मल होगा। इसका इनका अगर नजरिया लंबा है तो होल्ड कीजिए, ऐड करना है तो 3250 के आसपास या 3400 के आसपास अगर मौका मिलता है तो वहां पर ऐड कीजिए। लेकिन मुझे लगता है यहां पर थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन या प्राइस वाइज करेक्शन या टाइम एंड प्राइस दोनों करेक्शन पॉसिबल है, और 4000 का एक बार आंकड़ा पार कर ले उसके ऊपर क्लोज मिलेगा तो वे हायर जोन देखेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे ऑन अ हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर थोड़ा स्ट्रेच नजर आता है, तो इनको होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है,